अगर लग गई ना किसी को मुंह तोड़ दूंगी। वैसे आपने गलत काम कर दिया। मूंगफली गज्जक रेवड़ी सब आ चुकी है। चल ली मटक मटक मुंह के ऊपर बाल। पर आप हमेशा एक ही बच्चे की तारीफ करते हो। इस साल खुशियां खुशी है। चीला की शादी में जाएंगे। रिबन कटाई में सबसे छोटी बच्ची खड़ी होगी। कौन खुश नसीब होगा जो हमारी तूबा को सोने की अंगूठी देगा। आलू पूरी से अपना पेट भरे। शादी है शाम को टाइम नहीं मिलेगा। जो बनाई थी जिसका होए होए जिसका नहीं होए नहीं होए। टन टन ना इसमें हमारे मम्मी पापा है। मैं हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा नाम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन कैसे आप सब। होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मेहंदी का कलर आ चुका है। मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ी है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे मेरे और गोलू की बिल्कुल सेम चढ़ी है। तो टाइम हो चुका है 12 और सारे बच्चे जो है उठ चुके हैं। आधे बच्चे नहा चुके हैं आधे बच्चे नहीं नहाए हैं। तो बस नहाने धोने का प्रोग्राम चल रहा है और साथ में ऊपर डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो थोड़ा आपको ऊपर दिखा देती हूं कि आज कैसे डेकोरेशन होने वाली है। और डेकोरेशन दिखाने से पहले आप लोगों को सभी को दिल से थैंक यू बहुत सारा प्यार कि आप लोगों ने हमारे गाने को इतना प्यार दिया कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पर अभी तक है गाना और मुझे लगता है 2-3 महीने तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ही रहेगा। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार करते रहिए और तूबा अयान जैद चीकू की पहली लोहड़ी के लिए आप लोग विशेष दीजिएगा और आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। चीकू अगर लग गई ना उसके नहीं तो यहाँ पे बच्चे ना इतना परेशान कर रहे हैं मैं बता नहीं सकती कितना परेशान। आप समझ ही सकते हो कि एक घर में एक बच्चा होता है वो कितना परेशान कर रहे हैं। एक घर में 5-6 बच्चे एक साथ होते हैं वो कितना। अगर लग गई ना किसी को मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इयररिंग्स मिले हैं। तो हमें वाले इयररिंग्स ना रत्ती भाभी ने दिए थे हमारी बेबी शावर में गोद भराई में। क्योंकि ना हमारा जो सूट है ना वो ना है ग्रीन और उसमें है गोल्डन काम। तो अगर हम ये वाला पहनेंगे ये अच्छा नहीं लगेगा ना शाम की सिल्वर है इसमें। तो ये मैंने पान को मना कर दिया ये मत निकाल। तो हम पहन रहे हैं ये वाले इयररिंग्स अपने सूट के साथ और साथ में लगाएंगे मांग टीका। पाई यार मांग टीका अच्छा लगेगा ये ले लिया। हाँ तो गाइज आपको पता ही है कि हमारा प्रोग्राम जो है छत पे ही होने वाला था। आधी डेकोर हो गई है आधी डेकोर और होनी है अभी। यहाँ पे पूरी लाइटिंग वगैरह होगी। तो हम लोग एक इंस्पेक्शन करने आए थे कि क्या कैसे है। तो यहाँ पे पतंग वतंग का भी भैया ने इंतजाम किया हुआ है। मूंगफली रेवड़ी गज्जक जो हम मेहंदी में नहीं बनवा पाए वो भैया जैद तूबा आयान दी पहली लोहड़ी बहुत ही सुंदर लग रहा है। स्पेशली बनाया हमारे तीनों बच्चों के लिए। वैसे आपने गलत काम कर मेरी पहली लोहड़ी थी ना तब मैंने बनाया। मेरे पूछने लगा पर मैं कहा नहीं काम हो सकता है इधर ऊपर नहीं नहीं एक काम करो क्योंकि ना मेरी बात सुनो क्योंकि पहली लोड़ी इनकी है ना। हाँ। पहली लोड़ी मेंशन की तभी मैंने उसका नाम नहीं लिखेंगे ना वो हमारा खून पी जाए। नहीं तो एक काम करो ना सबसे बेस्ट चीकू सा जाएगा। चीकू यहाँ पे नहीं आएगा बनवाना पड़ेगा मैं पता कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली गज्जक रेवड़ी सब आ चुकी है ठीक है। और ये जो पतंग है ना ये पतंग ऐसी होगी। तो अभी मैंने भैया को बोला है काम करो चीकू को ना पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ऊपर चीकू लिखवा दो। अगर चीकू बोलेगा ना कि मेरा थोड़ा नाम डिफरेंट लग रहा है तो मैं बोलूंगी बेटा बड़े भी तो हो ना। हाँ। आपका नाम डिफरेंट नहीं होगा तो आपको पहचान कैसी होगी आपकी। इसलिए ऊपर स्पेस है काफी चीकू आ जाएगा ठीक है। तो भैया चीकू करवा दो नहीं तो उसने देख लिया ना क्योंकि अभी क्या ना अगर हमारी नजर पड़ गई तो उसकी भी पड़ेगी। अब वो बड़ा हो गया ना थोड़ा। काम करते हैं तीनों का नाम एक पे चीकू का अकेले पे इस पे लिखवा दो। चीकू लिखवा दो वो ज्यादा वेलकम बोर्ड पे लगा दो। और अकेला लगाना वो कहेगा बेटे ये तो तीनों एक पे है तू अकेली पतंग पे है। हाँ। और ये पतंग ही तेरे लिए बनवाई है। तो यहाँ पे हमने बाहर अपना झूला निकाल के रख दिया था पर ये जो रास्ते ना देखो यहाँ पे सारा ब्लॉक हो रहा है। तो अभी क्या ना इस साइड रखवा रहे हैं ताकि जो हमारा फंक्शन खत्म हो जाए ना फिर हम यहाँ से उठा के वापस अपनी छत पे रख दे। क्योंकि भैया कह रहे हैं वो जो हमारा जो वे है ना यहाँ से मतलब जाने का उस छत पे तो यहाँ पे ना लाइट वाले लैंप लगाएंगे ताकि ना मतलब रात को ना बहुत ज्यादा खिल के लुक आएगी। और गाइस आपको मैं हर एक मोमेंट आपको दिखाऊंगी कैसी डेकोरेशन हुई है क्या क्या हुआ सब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे बच्चों के कपड़े भी आ गए आपको पता है पारस ने भेजे पारस डिजाइनर ने। और यहाँ पर दिखा देती हूँ ये है चीकू का कुर्ता ठीक है ये है अयान का ये है जैद का और ये चीकू के पापा का। तो गाइस बताए क्या हमारे साथ ना कंफ्यूजन हो गई। हम लोग सोच रहे थे हम वेलवेट के सूट पहनेंगे ग्रीन कलर के फिर देखा कि यार ग्रीन अगर सूट हम पहनेंगे तो हम अपनी फैमिली से अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि हमें खिंचवानी है ऐसी फैमिली फोटो। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है पिंक लहंगा भी और ग्रीन सूट भी और तूबा के पास भी दो ऑप्शन है ग्रीन सूट और साथ में पिंक सूट। तो हम पहनने वाले हैं पिंक लहंगा ताकि हमारी पूरी फैमिली लगे पिंक अच्छा लगेगा ना लोहड़ी पे ये कलर बहुत सुंदर लगेगा। तो क्या पहन रही है मैडम। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैं को देख 3 सूट निकाल के आई हूँ एक मैरून एक मैजेंटा एक रॉयल ब्लू। अच्छा। अब तुम जो कहोगे मैं तो वही पहन रहे मैजेंटा पहन रहे देख ले हमने बता दिया हम ये पहन रहे फिर मैं जो तू कहेगी वही पहन तीनों तैयार है मेरे। तो एक काम कर तू सूट मत पहन तू लहंगा पहन ले। चल ली मटक मटक ठीक है क्योंकि हम लोग भी लहंगा पहन रहे हम लोग भी लहंगा बाकी सारे सूट पहन रहे तो हम चार हो जाएंगे डिफरेंट। ये 3 हो गए ना 3 हो जाएंगे डिफरेंट। वैसे यार ठंड तो लगेगी लहंगे में है कुछ नहीं होता यार फैशन में वार्मर पहन लियो नहीं और क्या लहंगे के नीचे वार्मर छोटी
देख रहा मुझे दिख पा देखती हूँ आज तो जीन्स मैं तो जीन्स पहन के घूमने चली देखो इसका पूरा लुक दिखा दो भाई ये जीन्स किसने पसंद करी आपके लिए मम्मा ने गली है मैंने गली है भाई बहुत सुंदर लग रही है तू बा मैं तो चाली मतक मतक चाली मतक तो यहाँ पे मैंने स्टैंड मंगवा लिया कपड़े सुखाने के मम्मी से पूछ रही गोलू ये क्या है तो मम्मी ये ना वो एक स्टैंड है ऐसे लंबा सा लगता है मुझे पता नहीं इसको क्या बोल ये गोलू ना बताने से पहले कंफ्यूज हो जाती है जो ऊपर दीवार पे लगता है धागे से खींचता है नीचे आ जाता है धागे से खींचता है ऊपर चला जाता है वहाँ पे था पहले पर जिनका मकान था ना वो अपने साथ ले गए थे तो हमने उस जगह पे लगाने के लिए ये मंगाया क्योंकि सर्दियों में कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत है। तो सुमन भाभी ने मुझसे पूछ दी कि गोलू स्टैंड तो तूने मंगवा लिया ये पता कितना फीट का है उनके भाभी तो मैंने चेक नहीं करा कि फीट क्या होती है या ये क्या होता है मैंने ये काम करती हूँ खोल के ना सूरभि से लगवाई लेती हूँ और यहाँ पे मेरा पांडा बच्चा उठ गया मम्मी नाश्ता करके आ जाओ बस आ रही हूँ दो मिनट क्योंकि देखो सब चले गए भाभी भी चले गए बच्चे भी चले गए मैं चीना के साथ अच्छा जैसे वो लोग आएंगे तो ठीक शांति तू भी चली जा तू बंगले की अब चीना तेरी भी शक्ल मिलने लग गई मुंह के ऊपर बाल इसका मतलब पैसे ऐसे करके ऐसे हो गई कल गाइस इन बच्चों को ऐसी नजर लगी बता नहीं सकती हूँ नजर उतारी नहीं ना मम्मी ने उतारी एक बार मैंने उतारी तब तक ये जाके बच्चे सो रहे 5:30 बजे सुबह सोए और 5:30 बजे तक जैद ने मतलब ये लगा लो जना हल्ला गुल्ला कह रखा था तू बस हुई है जैद से 1 घंटा पहले और ये हमारा भोला बच्चा सो गया था 12:00 बजे सुबह उठाए ऐसे तो सारे बच्चे प्यारे हैं पर आप हमेशा एक ही बच्चे की तारीफ करते हो हमेशा पायल ये भी शरीफ बच्चे इसकी तारीफ तो हर कोई करता है हर कोई करता है मतलब ये ना और इसकी तारीफ हर कोई करता है और इसकी तारीफ करते करते मेरी बुराई हर कोई करता है कि अयान का ध्यान नहीं रखते हो अयान से प्यार नहीं करते हो अयान को गोद में नहीं लेते हो अयान की वीडियो नहीं बनाते हो भाई हमारे लिए हमारे चारों बच्चे देखो नानी मासी एक बताओ नहीं आप लोग बोलते हो ना कि हम अयान को प्यार नहीं करते मैं चलो एक छोटी सी बात बोलती हूँ अयान 12 बजे सोया है अयान सुबह उठा है और जैद और तूबा 12 बजे उठ के सुबह के 5 बजे जाग रहे अब वो बच्चे जागेंगे तो हम सब तो उन्हीं से खेलेंगे देखो मेरी मेहंदी देख लो मेरी और गोलू की सेम चढ़ी है देखो इस साल खुशियां ही खुशियां आएंगी हमारे घर पे शादी चिना की शादी में जाएंगे रस मलाई खाएंगे दूध मलाई अच्छी अच्छा तुझे बाबू है मम्मी का दिमाग खराब कर दिया सबकी शादी होगी मेरी शादी करो ऐसा होता है पूजा ने बनवाई थी मेरी शादी करो उसकी शादी हो गई मैंने फोटो में शादी हो गई 3-4 महीने का इससे सोचा मैं भी बनवा लेती क्या पता मेरी 2 महीने में पर हो नहीं पा रही नहीं हो जाएगी टेंशन मत ले होएगी लड़का देखेंगे देखो लड़का देखने में कभी कभी होता है ना चट मंगनी पट ब्याह तो कभी कभी टाइम लगता है और जैसे ही लड़का पट मंगनी चट ब्याह हो जाएगा पट मंगनी चट ब्याह मंगनी की देरी है फिर ब्याह हो जाएगा मासी की शादी में नाचेंगे धूम मचाएंगे मैं सोचूं थोड़ा घोड़े पे बैठेंगे एक एक साल फिर ले अभी सिर्फ 4-5 महीने बाद ये अपने आप चलने लगेंगे टेंशन मत ले फिर तेरी शादी में ये विराट के साथ डांस करेगी एक बार तो भूल ही गई रिबन कटाई में सबसे छोटी बच्ची खड़ी हो गई रिबन कटाई जूता छुपाई तो आपको ही मिलेगी वो मासी की शादी में जूता छुपाई तो आपको मिलेगी पैसे दे दो पैसे हम लेंगे सोने की अंगूठी हम पैसे नहीं लेंगे सही बात ठीक है क्योंकि बोलो हमारे साथ इसका भी तो हक बनता है ना तो हम अपने लिए लेंगे हम इसके लिए लेंगे पहले बता दिया शर्मा गई तो जो भी चीजें होने वाला हमारा वो ये ब्लॉग जरूर देख लेना जरूर देखना और पहले से इंतजाम करके रखना क्या पता लड़की का साइज में साइज हम बता देंगे क्या पता देख भी रहा हूँ हम देख रहे लिंक भेज दूंगी मैं ये वाला क्या पता वो लड़का देख भी रहा हूँ हमें क्या पता कौन आपके ब्लॉग सारे मोस्टली हमें क्या पता वो कौन खुश नसीब होगा जो हमारी तूबा को सोने की अंगूठी देगा तो गाइस देखो सबके कपड़े तो मैंने आपको कल दिखा दिए थे अब बच्चों के भी दिखा दिए हैं अब रह गई हमारी सबसे बड़ी भाभी तो भाभी के लिए भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था जस्ट अभी मुझे जो है मिला है और ये मैंने ऑर्डर किया था @motiyar@neetandpreet दिल्ली से मंगाया तो वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे ये वेलवेट पे बना हुआ है ना आप कभी भी गर्मियों का सूट बनवाओ कुछ बनवाओ हम ऐसे कस्टमाइज करवा देंगे तो गर्मी के कई सूट होते हैं क्योंकि सर्दी है ना सर्दी के हिसाब से मैंने वेलवेट बढ़िया वाली वेलवेट में बनवाया भाभी के लिए सूट ग्रीन कलर का पहले हम लोग ग्रीन पहन रहे थे तो मैंने इसलिए भाभी का ग्रीन बनाया था कि भाभी के हमारे साथ मैच हो जाएंगी फिर हमारा बच्चों के हिसाब से हमारा ग्रीन चेंज हो गया अब हम पिंक पहन रहे हैं तो हमने भाभी का जो है यही रखा है तो ये है भाभी का पूरा सूट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सूट है साथ में चुन्नी दो शेड की चुन्नी है।
गाइस मैंने सारी लेडीज को बुला लिया नीचे क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेकअप कर रहे हैं क्योंकि ऊपर चल रही साफ सफाई, तो हमने सोचा झाड़ू पोछा लगने के बाद ना बार बार ना मतलब कि ऊपर नीचे होंगे ना तो घर गंदा होगा, तो यहाँ पे नीरज आ गया है तो यहाँ पे चल रहा है भाभी का मेकअप। भाभी सही है, भाभी अपना फ्री एकदम सही टाइम पे आप रेडी हो गए है ना, बिल्कुल सही टाइम पे रेडी हो जाए क्योंकि देखो मेकअप और लेडीज में ना टाइम लगता ही लगता है। एक एक लेडी का मेकअप होगा, हेयर स्टाइल होगा। अभी बज रहे 2:30 और हमारा फंक्शन है रात का और बस पायल गई है शावर लेने के लिए। तो पायल शावर लेने के बाद आती है ना, जैसे ही आती है तो मैं चली आऊंगी नहाने के लिए, फिर पायल यहाँ पे आके देख लेगी और ऐसे ही फटाफट कोऑर्डिनेशन होगा। और पता नहीं क्यों मैंने आलू पूरी जब से खाई ना, मैंने रात को भी आलू पूरी खाई, फिर मैंने लेट नाइट भी आलू पूरी खाई, फिर मैंने सुबह उठ के भी वही वाली रात वाली आलू पूरी खाई, मेरा दोबारा ना मन नहीं करा परांठा खाने का, मतलब मैंने आलू पूरी से अपना पेट भरा। तो बस मैं अभी जा रही हूँ ऊपर क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा शोर हो रहा है, किसी की बात समझ आप जाके थोड़ा सा चुप होया, तो क्योंकि बच्चे आ गए थे ना तो बच्चों को भेजा मैंने ऊपर। मम्मी मैं जा रही शावर लेने के लिए ऊपर, आपको जरूर नहाने। मैं जा रही हूँ, है आलू ठीक है, फिर मैं नहा लेती फिर आप आ जाना ठीक है। तो अभी चीना गई है मेकअप कराने, देखते चीना मेकअप करा रही है, यहाँ पे ना चीना का भी मेकअप चल रहा है। और चीना तू मेकअप करा रही, मैं एक बार ज्यादा शावर लेके आती ठीक है। तो भाई इतनी ज्यादा ठंड हो चुकी है ना, अभी गीजर चला रखा था सुबह से, मैंने पानी भी ऑन करा, पानी गर्म आ रहा है, दोबारा गीजर ऑन करा, अब 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये खेलते कम है, टॉयज फिलाते ज्यादा है। तो गाइस ये सूट तो आपने कल देख ही लिया था हमारे तुबालानी का, हमारे बेटों का आपने कुछ नहीं देखा था। तो ये हमारे छोटे छोटे नन्हे महाराजों का, खोल के दिखा देती हूँ। दिस इज कुर्ता, दिस इज पैंट, छोटा छोटा पैंट। तो ये हमारे बच्चे पहनेंगे और ये इनके डैड का है। मॉम्स का भी दिखाते हैं आपको, ये चीकू का है, ये चीकू के पापा का है ठीक है, ये इन बच्चों का है। ये लो, ये जैद का है, थोड़ा लंबा थोड़ा बड़ा ठीक है, ये जैद का है और थोड़ा छोटा हल्का सा, ये अयान का है और चीकू का सेम है, चीकू के पापा का सेम है, चीकू की मम्मी का सेम ठीक है ठीक है। ये चीकू के पापा पापा का है, ये चीकू की मम्मा का है, ये तेरी जिम्मेदारी है, चीकू के पापा का और ये चीकू का है, तेरी जिम्मेदारी है ठीक है। और मैं नीचे जा रही हूँ, सब लोग रेडी हो रहे हैं ठीक है। और इनको कब रेडी करोगे आप, करना तकरीबन 5 बजे के करीब ठीक है। नीचे अंदर मोटे कपड़े क्योंकि लोहड़ी जब जलाएंगे तो बच्चे तो जा जाएंगे इनकी पहली है, फेरा वेरा डालना, सब कुछ करना ठीक है। इनर डालना है, गरम स्कीवी डालनी है, इसके मैचिंग का टोपा तो नहीं हो पाएगा, ब्लैक टोपा पहना लेना ठीक है। और सॉक्स दो पहनाना ठीक है। जब आ गई है नूरी, कह रहे छोटे है, देखना बिल्कुल फिक्स साइज है, तू बुरानी तुम्हें सया बड़ा सूट है, होना ही था होना ही था, बड़ा नहीं है थोड़ा बड़ा बनवाया मैंने, अगले साल भी आ जाएगा ना, अगले साल भी। ये हमारे अयान जैद का, ये छोटा सा पजामा उसका, ये हमारे अयान का मतलब मैचिंग है हाँ, ये इसका छोटा सा पजामा और सेम आपका है, ये हमारी टूबू की चुन्नी सर पे रखेगी लड़की हमारी है ऐसे करके सही है। और आपका दिखाते रुको, सारे ऐसे ही हैं, तो पहन के दिखा देंगे ना, सरप्राइज दे दियो ना, पहन के दिखा दियो कैसे लग रही है। मेरा और पायल का सूट नहीं है, क्यों मल हैंगर ठंड में लहंगा ऊपर थोड़ी ठंड लगी, लोहड़ी जलने के बाद कोई ठंड नहीं, लहंगा पहन रहे हैं हम सब, बाकी सब सूट पहन रहे हैं हम, लहंगा पहन रहे हैं, वी आर द होस्ट, वी आर द पार्टी होस्ट, वेरी गुड, जो होस्ट होता है डिफरेंट। तो गाइस ये वाला व्लॉग ना आपको सिर्फ हमारे सजावट वगैरह तक मिलेगा, उसके बाद का पूरा व्लॉग जो ना अरमान जी ने जिम्मेदारी ली है कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि अरमान जी के जो व्लॉग होते हैं ना सच में इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। कल का व्लॉग देख देख के तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड होगी ना, जब मनदीप भैया पानी में कूदे थे वो एक्सप्रेशन देखने लायक थे उनके, उसके बाद जो उन्होंने भूत का प्रैंक किया, जिसने नहीं देखा ना जल्दी जाके देख लो फैमिली फिटनेस पे। और हाँ एक बात और बताना भूल गई, गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चला रखा है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, ऐसे आगे भी प्यार देना। और अरमान जी की स्नैपचैट आईडी यहाँ आ रही है, तो जल्दी जाके उसे भी फॉलो कर लो, क्योंकि आप लोग वहाँ फॉलो करोगे ना तो डेली अपडेट करंट टाइमिंग की आपको वहाँ मिलेगी। तो जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ ना तकरीबन अयान सो रहा होता है और फिर मैं इसको ले लेता हूँ, तूबा और अयान जो है, तूबा और जैद जागते हैं और तूबा और पीछे। आ जाओ भाई तूबा रानी, अभी आ जाओ, पापा जी बुला रहे हैं, आ जाओ तूबा रानी। अच्छा इसकी इसके कपड़े तो दिखा दे, इसकी नहीं थोड़ा सा खाई, वो मांग रही है दही मत खिला, भी मांग रही है चाहिए। सुनो एक बार नीचे खड़ा करियो, शांति यहाँ करना ना, जो दो दो जराबे पहन रही है, कपड़े देख लो उसके, पापा को मारो तू, कपड़े देख लो उसके, जींस देख लो उसकी सही है, स्टाइलिश जींस, मेरी हीरोइन बेटी है तू, मेरे सोने का और दो दांत चमक गए, और दो दांत चमक गए, एक और यहां से लोड़ी, हैप्पी लोड़ी, जिनके घर में लड़कियां होती हैं उनकी रोज लोड़ी, पता है और हमारे घर में तो लाडो है लाडो। लक्ष्य ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, वही बोल लो मैं। चलो तो गाइस हाथ में आउटफिट तो देख ली होगी, खोल के नहीं दिखाऊंगी आपको, पूरा प्रॉपर लुक देखिएगा इसमें। चलो नीचे जाके खोल के भी दिखा देती हूं क्या है क्या नहीं। तो ये मैंने मंगाया है जैस्मिन से, जैस्मिन को आपने बहुत बार देखा होगा हमारे ब्लॉग्स में, जिनसे मैंने बहुत सारी आउटफिट बनवा के पहनी है, तो उन्हीं ने ये आउटफिट मुझे बना के दी है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मेकअप हुआ है सच में, नीरज और नीरज की जो सहपाठी है दोस्त है उसकी, बहुत अच्छा मेकअप कर रही है दोनों। रिया प्रियंका प्रियंका
प्रियंका बहुत अच्छा मेकअप कर रही है। मैंने प्रियंका का हेयर स्टाइल करवाया था, जो मेरा गाना था गज का घूंघट, उसमें इसने मेरा हेयर स्टाइल किया था। इतना सुंदर हेयर स्टाइल किया था कि मैं दोबारा वही हेयर स्टाइल कराने वाली हूँ। बहुत अच्छा हुआ जीना का मेकअप ना। अरे पीछे सरोज भाभी है क्या ये जो हंस रही मुझे देख के गुलबट्टे से? तुझे पता नहीं चली क्या? नहीं यहाँ से पता नहीं चला, शीशे से देखो यहाँ से पता चला। पहले मैं वहाँ बैठी थी। तो गाइस इस ब्लॉग में आपको इन्हीं का मेकअप देखेगा, हमारा मेकअप आपको नहीं देखेगा, क्योंकि हम लोग सबसे एंड में फ्री होके, जब सारी लड़कियां फ्री हो जाए ना और मेकअप करा के थक जाए, तब हम बैठेंगे हॉट सीट पे मेकअप कराने। धीरज भैया आप भी मेकअप पायल पायल धीरज भैया बोलो ना मेकअप करा के फ्री हो जाओ, मेरे आईलैशेस करा दो और ब्लश पता नहीं क्या क्या। मैं बता देती हूं धीरज भैया। अरे नहीं धीरज भैया। धीरज भैया जी मैम, धीरज भैया की आईलैशेस लगा देना, ब्लश कर देना थोड़ा। कह रहे मुझे दुल्हन बना देना, धीरज भैया की शादी है ये। लहंगे भी है यहाँ पे, मतलब तैयार होगी कि लहंगा पहनी। शादी होती है तो अग्नि के फेरे तो होते ही है, तो अग्नि हो रही होगी, कोई ना कोई लड़की ले आओ, फिर मैं फेरे बाहर जाओ। अच्छा जाते हैं, ढूंढ के आते हैं, छत पे जा रहे हैं, कोई दिख जाएगी तो ले। छत से नहीं, छत से ऐसे नहीं आ रहेंगे ना हम सड़क पे। हमारी टीम में इतने लड़के हैं, ये नहीं कि एक आधा अंदर शादी कर ले, शादी नहीं करते, हमें नाचना गाना है। फिलहाल इस बच्चे की नीनी पूरी हो गई है, तो इसने बोला मम्मा मेरी पार्टी की डेकोरेशन तो दिखा दो, ऐसी है डेकोरेशन तो दिखा दो। वहाँ जो शांति से हंसा रही है, तो मैं से जा रही हूँ ऊपर डेकोरेशन दिखाने। चलो ओह माय गॉड, बहुत अच्छी खुशखबरी मिली मुझे ऊपर आते ही। एक तो सबसे पहले इतनी प्यारी डेकोरेशन की है, बार बार बताने का फायदा है नहीं, आप लोग जान ही चुके हम डेकोरेशन किन से कराते हैं, इनसे कराते हैं ड्रीम मेकर से। तो इन्होंने आज पूरा यहाँ डेकोरेशन किया, बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल, अब तक की सबसे बेस्ट लोहड़ी की हमारी हुई है। और यहाँ पे ये हमने हैप्पी लोहड़ी का पूरा यहाँ पे हम फोटो खिंचवाएंगे, डांस करेंगे, रील बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज की कमी थी, चीकू का नेम टैग नहीं था, भैया ने ऑन द स्पॉट बनवाया, तो वो भी आ रहा है, वो लगाना रहेगा। तो बाहर का सिनेमैटिक टैग दिखा दो जरा, जया दयान तुबा दी पहली लोहड़ी, और पूरे यहाँ के डेकोरेशन का सिनेमैटिक टैग सुबह का दिखा दो, जो रात को आएगा तो आपको बाद में दिखेगा। इतना खुशी मिल रही है लोहड़ी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। ना मतलब हीटर का, ये दो हीटर है, मैंने पहले नहीं देखे वाले हीटर्स कभी, ना इनका यूज देखा है। तो भैया हमें बोल रहे हैं कि आपको ठंड लगे ना लगे, बट गर्मी जरूर लगेगी, बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि बस बच्चों को ठंड ना लगे, मैं चाहती थी कि बच्चे भी ना हमारे साथ एंजॉय कर सके। तो पायल ठंड लगे ना लगे गर्मी लगेगी, यही चाहिए हमें, यही चाहिए हमें, हमें गर्मी का एहसास करवाना है ठंड में। डाल दी मैंने छोटी आइट का, यही नुकसान है। सुनो गोलू, कोई लंबी आइट नहीं है, कोई लंबी आइट का निकाल दो। अरे यार मैंने किस लिए, और ये मैंने इतनी बार बोला है माइक्रो, इतनी बड़ी आइट किस लिए की थी? हलवा पकड़ो मैं, हाँ वहाँ पायल देखियो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तू वो आप भी खेलोगे? चलो खेलने दे, हवा में खिला। शांति मेरे पास ना एक्स्ट्रा पन्निया थी, अभी मेरे को और पैकेट बनाने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पूजा की थाल बना रहे हैं, जितना हमें पता है उस हिसाब से स्टाइल बनाएगी, स्टाइल बनाऊंगी, ऐसे सुंदर लगेगा बाबू। ये लेकिन परात है, ये परात बड़ी है, तभी तो कह रही हूँ वो ना हो जाए। मतलब अच्छा पकड़ेंगे, ये सब मिक्स हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं ट्राई करते हैं। यहाँ पे रेवड़ी रखी है, गज्जक भी रखो, शांति गज्जक दियो, और तिल है ना, तिल बीच में होगा। दूसरी कॉल बीच विजा हुआ है, जिसको कॉल करे और दूसरी कॉल बीच रुझा हुआ है। गाइस मुझे चाहिए इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि हमारे ना छत पे जो काम होने, हीटर का काम ना आ गया। तो ये बन गई हमारी पूजा की थाली, अब हम पैकेट बना लेते हैं जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको देने। अभी से शाम को टाइम नहीं मिलेगा, जो बनाई थी तूने ये कम पड़ेंगे, बाहर भी तो देके आएंगे। ठीक है एक काम कर, जितना सबका और मैं सब मेकअप करवा रहे हैं, एक काम करते, लेकिन पूजा से पहले नहीं देते ना, पूजा के बाद प्रसाद लेके आएंगे, जो हमारा रह जाए ना वो हम कल बांटेंगे, ये प्रसाद के रूप में ही तो देंगे। ले शांति, तो आधे पैकेट तो हमने कल बना दिए थे, आधे पैकेट हम आज बना रहे हैं, क्योंकि कल ना हमारे पास मूंगफली कम थी, तो मैंने और मूंगफली मंगाई है। तो 25-30 किलो मूंगफली मंगा के हमने पैकेट बना दिए हैं। ये थाली अलग से कर दी है, बाकी का सबका अलग कर दिया है सबको। इस बार देखो पहली हो गई है हमारी पायल, मुझे पूछो की थाल रेडी हो गई ना, इसके ऊपर जैसे मम्मी जो मेरे रखी था पूना रखती थी, तो हमारे पास कोई अच्छा सा कपड़ा है भगवान का, जो मतलब कपड़ा जो, और ये सारी अपने पास चुनरी मिली हुई है भगवान की, कोई अच्छी सी चुनरी रख देते भगवान जी की। ऐसे मत कर, ऐसे मत करी तो अच्छा नहीं कर रही, ऐसे मत कर देना बाबू, ऐसे कर दे यार अगे। हाँ गोलू अब एक काम करे, हाँ ऊपर ये सामान रखा था, पर मैं तो क्या कह रही हूँ बाद में रख जाते हैं, अभी डेकोरेशन, क्योंकि ऐसा ना किसी का हाथ वाथ लग जाए कुछ, इसको ढक कर किचन में रख देंगे। वो टोकरी भरवा देते हैं पैकेट से, या दीदी इसमें पैकेट में बांध देना। चलो चलो, तो यहाँ पे हमारी ये थाल जो रेडी हो गई, ये हो गई पूजा के बाद, जितने भी गेस्ट है सब बैठ कर आएंगे और आनंद लेंगे लोहड़ी के फंक्शन का। तो ये है सब गेस्ट के लिए, बट पहले पूजा आएगी फिर मिलेगी, मैं मंदिर के पास रख के आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी अभी सबका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी है, चीना के आगे के बाल बाकी है, भाभी के बाल बाकी है,
है, मम्मी ऑलमोस्ट डर आने वाली है, अलीशा का कुछ नहीं हुआ, मुस्कान का कुछ नहीं हुआ, भाभी आपके बाल नहीं हुए? तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा है शुरू, और मैंने बोला है नीरज भैया को कि मेरा जो मेकअप है ना उसको ज्यादा टाइम मत लगाना, मतलब 10 से 15 मिनट ही लगाना और मेकअप कंप्लीट कर देना, तो बस 10-15 मिनट दूंगी भैया, ठीक है? ग्लॉसी मेकअप चाहिए। हमारे लहंगे का ब्लाउज है तो फुल स्लीव, बट सच में ठंड तो बहुत ज्यादा लगेगी। मैंने अभी ये पहना हुआ है, इसके नीचे मैंने एक वार्मर पहना हुआ है, ठीक है, उसके बावजूद भी मुझे ठंड लग रही है क्योंकि शाम होते है ना ठंड लगेगी, बट भैया ने कहा है कि जो ऊपर हीटर लग रहा है उसमें तुम्हें ठंड नहीं, नहीं गर्मी नहीं, एक सेकेंड, तुम्हें उसमें ठंड नहीं लग सकती, गर्मी जरूर लग सकती है। तो मैं चलो ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बस मैं बहुत एक्साइटेड है। पूरे 5 बचने वाले हैं, 6-7 दो घंटे में, वापस 2 घंटे के अंदर होगा फंक्शन स्टार्ट। तो गाइस ठंड के मारे ना मेरी कुकड़ी जम गई है, सच में मेरे पैर भाभी एक बार ऐसे लग रहा है जैसे भाई हाथ लगाना ऐसे लग रहा है बर्फ हो गए हैं, बहुत ज्यादा गर्म ही नहीं हो रहे पैर, बट वो कह रहे हैं ना भाभी की ना ऊपर अब जाओगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी, इतना अच्छे हीटर्स है। मैं कहा सोच रही हूँ फटाफट रेडी होकर ऊपर ही बैठ जाऊँ, हिलूं ना वहां से, भैया फटाफट मेकअप कर दो ठंड लग रही है। तो गाइस अभी अभी बहुत ही प्यारा एक पार्सल आया, पार्सल नहीं आया, खुद आई है एक मेरी बहुत ही प्यारी इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स है, मुझे बहुत प्यार करती है और उनके बहुत सारे आउटफिट्स मैं पहनती हूँ, क्या थी ऑनलाइन मार्ट, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा, वो नीचे भी मिले होंगे आपको, पहले ऊपर आए थे मेरे पास, अब मैं खुद जा रही हूँ नीचे उनके पास। मैंने सोचा था यहाँ सारे रेडी हो गए होंगे पर यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग अनरेडी हैं, तो बस मैं सोच रही हूँ एक बार ये सारे रेडी हो जाएं फिर ही मैं बैठूं, बार बार ये सोच रही हूँ। अब ये सोचते सोचते ऐसा लग रहा है कि मेरा मेकअप मेरा हेयर कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब जिसका होए होए जिसका नहीं होए नहीं होए, मैं बैटरी मेकअप की टाइम हो चुका है 5:30 और मुझे भी लग रहा है मेरे बाल कटते कटते 6 बज जाएंगे और उसके बाद तू बैठेगी तो बहुत लेट हो जाएगा पायल, अभी बैठ जा मेकअप के लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ख्याति ऑनलाइन मार्ट मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसके बहुत सारे आउटफिट्स मैं पहनती हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं और उनके पास बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेके आए, वैसे अरमान जी के लिए लेके आए पर अरमान जी भी सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही खोल लेती हूँ। वैसे तो मुझे पता है इसके अंदर क्या है क्योंकि इन्होंने मेरे को बता दिया था और ये हमारी लाइफ का ना सबसे बेस्ट गिफ्ट है, तो मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो ये फोटो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, इंस्टाग्राम पे भी ख्याति ने भेजी थी मुझे, मैंने तब लगाई थी, और इसमें हमारे मम्मी पापा है और ये हमारे 4 बच्चे, हम 2 हमारे 1। तो भाभी कह रही है मुझे भी दिखाओ, मैं भाभी को दिखा के आती हूँ। भाभी देखो ये फोटो उस टाइम इंस्टाग्राम पे आएगी ना, अभी ये बनवा के, मैं क्या कह रही हूँ पायल, तू बा चीकू को देख रही है और देखना तीनों ने पीला पहना हुआ है, पापा बेटी और बेटे ने और अयान और जैदुर देख रहे हैं, ग्रीन दोनों ने ग्रीन पहने, हम दोनों ने सेम पहने। अच्छा ये फोटो तब की अनुप्रशन किया था हमने, तब की फोटो है ये, और मम्मी पापा की ये वो फोटो है जो हमारे घर में ऑलरेडी लगी हुई है हमारे उस पे दीवार पे, जो की उनकी बुआ लेके आई थी, उसी फोटो से इन्होंने निकाला है, पर बहुत सुंदर है देखो बहुत ज्यादा। ये अभी मैं ऊपर पे जो आ रही हूँ, ऊपर होने चाहिए पापा की फोटो, तो मेरी शादी वाले फोटो में तो निकलवाई थी। अच्छा, और मम्मी की अलग थी, कहीं गए थे वहाँ खिंचवाई, अच्छा अच्छा, अलग अलग इकट्ठी कर दी। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना जहाँ पे बच्चों का आज पहला फंक्शन है वहाँ पे लगा, देखो पापा मम्मी का आशीर्वाद जरूरी है ना, बिल्कुल। तो साथ में जयपुर की बहुत ही स्पेशल चीज मेरे पास आई है जो की मेरे लिए, गोलू के लिए और किस किस के लिए, बच्चों के लिए भी है, तो बच्चों को आज हम यही पहनाने वाले हैं। यार ये पहनाएंगे आज उनको जूते के उसके नीचे, हाँ क्या हो गया, ठीक है तो काम करेंगे, अगर निकल ना जाए तो ऐसे करवा देंगे। हाँ, बहुत क्यूट गिफ्ट है, बहुत सुंदर गिफ्ट, हमें ना ज्यादा अच्छा छोटे छोटे गिफ्ट लगते हैं। हाँ, बड़ों से ये तूबा का है लग रहा है, तूबा का ग्रीन होगी ना, अच्छा अच्छा तूबा ग्रीन होगी, रेड ऑरेंज और अयान ग्रीन, ठीक है तेरा मिराज हम ये पहनेंगे, ये पहन लेते हैं। आप एक छोटा सा काम कर दो, आप दोनों को लेके जाओ और ऊपर कॉफी पिलवा दो। तो पायल एकदम करेक्ट आ गया, 6:06 हो गए, 6:10 तक मेरा काम कम्प्लीट हो जाएगा और बस पायल का हो जाए 7 बजे तक है, पायल 7, उसके बाद मैं जाती हूँ ऊपर और जाके देख के आती हूँ बाकी जितनी भी तैयारी, कोई गेस्ट आ रहा है जो भी आ रहा है सारी चीजें मैं देखती हूँ। तो गाइस सीरियसली मेरा जो हेयर स्टाइल हुआ बहुत ही कमाल का है, मतलब होता है ना कि मेरे इतने छोटे से बाल है, एक उम्मीद होती है, एक मन होता है कि काश मेरे लंबे बाल होते तो मैं भी ऐसे गुत वाला हेयर स्टाइल कराती, बट आजकल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आजकल इतना कुछ है मार्केट में, लुक एट माई हेयर स्टाइल, इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है पर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और जिन्होंने मेरा हेयर स्टाइल करा मैं उनकी आईडी बता देती हूँ आपको, इट्स प्रियंका नेगी 5 तो प्रियंका नेगी 5 अंडरस्कोर 5 है। कोई बात नहीं, हम इंस्टाग्राम पे जरूर इनको टैग करेंगे क्योंकि मेकअप और हेयर स्टाइल जो है मेकअप बाय नीरज एंड हेयर स्टाइल बाय नीरज, मेकअप बाय प्रियंका एंड हेयर स्टाइल बाय प्रियंका, दोनों ये वो है मिक्स कॉम्बिनेशन, अरे वो है पार्टनर है ना, टीम है। तो मेरे पीछे भी 2 कस्टमर्स और लगे हुए हैं, मतलब पीछे यहाँ पे पूजा इस सेट पायल है, तो मैं और भाभी बस खड़े होने वाले हैं, भाभी का कमाल का हेयर स्टाइल होने वाला है, सच में मैंने पहली बार देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भाभी का हेयर डू दिखा पायल, बहुत सुंदर लग रहा है।
ओहो स्प्रे भी ऐसा हो रहा है ना अभी, पता है कि इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना, मैं तो भाई बहुत ही मुश्किल से आज फटाफट नहा ली और बस अब वेट है फटाफट फंक्शन स्टार्ट हो तो पायल यू कम आई एम गोइंग अप एंड यू डाउन। अच्छा मैं कपड़े वपड़े सारे रखा हूं बच्चों के। ओके सिर्फ क्या करना है चीकू को आधा पौने घंटे बाद उठाना है। कितने बजे टाइम लगेगा? 7 बजे उठाऊंगी पूरी। 7 बजे उठाना उसको, उसको कपड़े देने अंदर, उसको वार्मर पहनाना है। ठीक है ठीक है बच्चों को वार्मर की भी वो तो सीख के आंट वो कर लेंगे। ठीक है तो गाइज मैं आ गई हॉट सीट पे, अब देखते हैं हमारे बालों का क्या होगा। मैंने बाल कल धोए थे आज ही धोए। तो गाइज मेरे इसी लुक के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। ये लुक जो नॉर्मल मुझे लगा इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना मत भूलना। और मेरी प्रिय बहना पीछे खड़ी है। एक बात और बोलना चाहूंगी मैं छोटी सी, गाइज हमारा गाना आ चुका है गज का घूंघट फर्स्ट रिकॉर्ड पे, जिसने अभी तक नहीं देखा गज का घूंघट जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाने को आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया कि गाना मतलब लास्ट 10 घंटे से ट्रेंडिंग नंबर 1 पे, ऐसा ही प्यार देते रहो ताकि हमारा जो गाना है वो पूरे महीने ट्रेंडिंग पे रहे, ताकि हम आपके लिए नए नए गाने लाते रहे। तो भाई मैंने कहा महीना तो है, दूसरा महीना तो अपने आप ही हो जाएगा। तो बस बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर। और ठंड से बचो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। बाय बाय।